मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। इसकी ऊंचाई 2 फुट की थी। टोपी की नोक से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक इसकी ऊंचाई थी। और जहाँ पर शरीर के ऊपरी आधा हिस्से की जो मूर्ति बनी होती है उसे हम बस्ट कहते हैं। और फौजी वर्दी में नेताजी बहुत सुंदर, मासूम और कमसिन लग रहे थे। कमसिन यानी जिसकी उम्र बहुत कम होती है, जो अल्प वयस्क होता है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि जो नेताजी के नारे थे, उनके जो कार्य थे, उस मूर्ति को देखते ही याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय कोशिश थी, सराहनीय प्रयास था। किंतु मूर्ति में एक कमी थी जो देखते ही आँखों को खटक रही थी, आँखों को चुभ रही थी। नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक साधारण और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो वे बहुत हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति तो पत्थर यानी संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा वास्तविक था। कस्बे से निकलने के बाद भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे। अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि कस्बे के नागरिकों का यह जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं होता, अपितु उस भावना का होता है जिस भावना से उस मूर्ति को बनवाया गया था। यानी वह मूर्ति जो थी वह लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को उत्पन्न कर रही थी। लेखक कहते हैं कि देशभक्ति आजकल मजाक की वस्तु बनती जा रही है, यानी लोग आजकल देशभक्तों को देखते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं।